फाइनली आज हम खेलने जा रहे हैं एकदम रियल वाली माइनक्राफ्ट। सो गाइस वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। सो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं एकदम रियल वाली माइनक्राफ्ट। और जैसे ही मैंने यहाँ किया स्पॉन और मुझे सबसे घटिया जगह मिली है, और देखते हैं ऊपर मुझे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग स्टिक्स का तो इंतजाम हो गया, पर हम वोट कहाँ से लाएंगे क्योंकि डेजर्ट में पेड़ नहीं उगते और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डेजर्ट लग रहा है। ऐसा घटिया रिस्पॉन पॉइंट तो है ये, पर सही भी है क्योंकि यहाँ विलेज भी और डेजर्ट टेम्पल मिलता है, वैसे अच्छी बात है। और अभी मैं स्टिक्स कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ बस, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी हमें बहुत सारे स्टिक्स, क्योंकि हम क्राफ्टिंग टेबल बना नहीं सकते ना, हमारे पास वोडे स्टिक्स होंगी तो जितनी हो सकते हैं उतने स्टिक्स कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद तलाश में चलते हैं पेड़ की, क्योंकि पेड़ तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक माइनक्राफ्ट की। और गाइस देखो कितनी मतलब बिल्डिंग बनी, वो कितना ऊंचा है, जो भी है जो भी कह दो उसको। ओके सो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर कोई विलेज मिल जाता तो वही अच्छा हो जाता, वहाँ से कम थोड़ी वुड तो मिल ही जाती। वैसे क्या पता उनके चेस्ट में वुड हो, क्या पता। और पता नहीं ये क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ, इमारतें बन रही हैं क्या यहाँ। चलो जो भी है, अभी हमें बस एक सिंपल लैंड ढूंढना है। गाइस क्या घटिया रिस्पॉन पॉइंट मिला है मुझे, जैसे चपाती भाई की सिटी है ना एकदम डेजर्ट में, ये तो बिल्कुल वैसे है, नॉट बिल्कुल। देख क्या चल रहा है यहाँ भाई, एक सेकेंड क्या ये है यहाँ, कुछ है तो है नहीं, बस डेजर्ट है। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे क्या बताऊँ, हमारी हेल्थ ना जाए। और देखते हैं कि हम ये स्टिक से तोड़ पाते हैं, लगता तो नहीं है कि ये कलेक्ट होगा, पर ट्राई तो कर ही सकते हैं। ओके सो गाइस हमें ये नहीं मिला, और अभी तो ओके ये कुछ ये सैंड आई है, सैंड ही वो बहुत है, वरना तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे थे। अरे प्लीज़ एक सिंपल लैंड मिल जाए, क्या करूँगी मैं। और इस साइड समुंदर गाइस मतलब, और यहाँ वर्ल्ड ख़त्म। ओ भाई क्या चल रहा है ये, कहाँ उतार दिया मुझे। तो गाइस यहाँ से हम डुबकी मारते हैं। ओ गाइस देखो नीचे गोल्ड है, पर हम गोल्ड कलेक्ट ही नहीं कर सकते ना, हमारे पास आयरन की पिकेक्स ना, आयरन की क्या स्टोन मतलब वुड की भी नहीं है, और क्या करें गाइस। आइए सोच विचार करते हैं थोड़ी बस। मैं तो ये रेड साइन कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर रात को मॉब्स वगैरह आए तो ये तो हमें प्रोटेक्ट करेगी कम से कम। ए, मुझे तो आपका वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है माइनक्राफ्ट से। ओके सो गाइस अभी मैं आपको मिलती हूँ जब मैं कुछ स्टैक वगैरह कलेक्ट कर लूँगी रेड सैंड के। सो गाइस मैं यहाँ पर खोज रही थी और देखो मुझे सामने लैंड दिखाई दिया है, तो मैं बिना किसी देरी के वहाँ पे ही जाके ही रहूँगी। वैसे इस साइड भी चलते हैं, हमने इस साइड नहीं देखा अभी तक क्या है। और देखो गोल्ड यहाँ लोगों को गोल्ड नहीं मिलता, वो मुझे मिलता जा रहा है, वहाँ मछलियाँ हैं। और देखो वहाँ मैग्मा क्यूब नहीं, मैग्मा क्यूब नहीं, क्या कहते थे उसको, सॉरी गाइस मैं उसका नाम ही भूल गई, जो नेदर में ही होता था जो हमें चला देता था। और गाइस देखो सामने डेजर्ट है, क्या पता हमने अपनी शुरुआत यहीं से की हो, पर हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा सा लैंड मिल जाए या फिर विलेज वगैरह मिल जाए। पर अगर रात भी होती है तो मेरे पास सैंड है जिससे मैं टावर बना के ऊपर चढ़ जाती हूँ। और देखो रैबिट्स कितने क्यूट है। और गाइस देखो हमें हमें सामने अपना नॉर्मल वर्ल्ड मिल चुका है, जैसे हमारा नॉर्मल वर्ल्ड हो गए होता है। पर यहाँ पे मुझे सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और देखो ये किस्मत क्या है, पहुँच तो गई पर रात होने लगी। तो गाइस अभी फटाफट से अभी हम यहाँ पे वो लगा देते हैं, अच्छा कि मैं फेड आ गई ना, पता नहीं क्या होता मेरा, ये बड़े लंबे पेड़ है गाइस, मैं दो दो लगा रही हूँ पता नहीं क्यों। ओके यहाँ पे हमारी इतनी रीच है नहीं कि हम और लगा पाए, पर हम फिर भी क्राउच करके रखेंगे। और कब होगी दिन, वो कब होगा दिन,
और गाइस यहाँ पे वर्ल्ड ख़त्म नहीं होता यहाँ। और गाइस आई एम टू लकी, मतलब नॉट सो लकी ना, मैं इतनी भी ज़्यादा लकी नहीं हूँ पर बस हूँ कि मतलब एक एक मुझे नॉर्मल वर्ल्ड मिल गया। गाइस आपको पता नहीं मुझे इसकी इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि किसी ने कभी सोची ना होगी। और गाइस आपको याद है जो मैंने कवाई वर्ल्ड में मेरा सेकेंड गेम प्ले था जिसमें मैं मर गई थी, उसमें मेरा क्या पोपट हुआ था? अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर तो प्लीज़ वाली देख लो। वैसे मैं सॉरी गाइस, वैसे मैं अपना गेम मोड इजी पे सेट किया हुआ है पर पता नहीं फिर भी इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, पर अच्छा है कि कोई भी नहीं मतलब चढ़ पाएगा। बस इसके लिए इतना मकड़ी का डर है, अगर मकड़ी ने देख लिया वो तो चढ़ जाएगी। तो मैंने माफ कर लेते हैं, देखा वो गाइस आई थिंक माफ कर लेते हैं ना, देखो पेड़ के पीछे वो चला गया है अभी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे उस प्राणी से लगता है जिस पर मेरा अभी सर्कल है गाइस, क्रीपर, और वो दूर चला गया है ना, हम उसको अभी देख पा रहे हैं। और गाइस अभी मैं आपको जब मिलती हूँ जब रात ख़त्म हो जाएगी। गाइस देखो मेरे सामने कैसे ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, पर अच्छा है कि मैंने क्राउच करके रखा हुआ है। सो गाइस मुझे भी पता ना, मैं मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं मर गई, लाइक सीरियसली मैं मर गई। सो बैड गाइस, सो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। और मैं जानती हूँ वाली वीडियो बहुत छोटी बनी है पर सॉरी इसके लिए। मैं सब चाहते हो कि अगर मैं माइनक्राफ्ट एक और बार खेलूँ मतलब उसका सेकंड पार्ट आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना कि आपने कभी ये गेम खेली है नहीं। मतलब सब लोगों ने खेली होती है पर प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कैसे मर सकती हूँ, मतलब मैंने रिकॉर्ड तो किया नहीं है। अच्छा वो भी मत करना, मतलब बस एक कुछ भी लिख देना कुछ भी। और गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी मेरी 40 पार्ट लो हो चुकी है एंड बाय गाइस।